नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 25 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 तक देख लेते हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ वाई इक्वल टू हम लोग दिया गया एक्स टू दी पावर एक्स दिया गया, देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन ये y इक्वल टू यहाँ पे x टू दी पावर x है। दोस्तों देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर, यहाँ वेरिएबल है देख रहे हैं x है, इसका पावर x है। जब हम लोग वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू हो जाएगा लॉग ये x टू दी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, दोनों साइड हम लॉग ले लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लॉग, यहाँ लॉग के साथ यहाँ पे क्या पावर है, हम लोग जानते हैं कि लॉग m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, n लॉग m होता है। जो पावर होता है वो पहले हो जाता है, उसका लॉग के साथ में बेस आ जाता है। तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए लॉग ये m है और ये n है, लॉग m टू दी पावर n, ये m है और ये n है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, n log m, n का जवाब क्या है x है, फिर log और यहाँ पे m, m का जवाब x हो गया। और हम क्या करें इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x log x। आगे देखिए तो देखिए जिस तरह से डी वाई डी एक्स फिर लॉग एक्स रहता है, यहाँ पे x रहता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स हो जाता है, लॉग वाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई। लेकिन अब यहाँ पे y को किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y हो जाएगा। फिर से यहाँ समझिए कि लॉग के साथ यदि x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन x, तो ये समझिए कि x है, तो लॉग x का डिफरेंस, लॉग y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन y। अब y को किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, ये u और ये v, u को बाहर कर लीजिए इन टू, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस v को बाहर कीजिए लॉग x इन टू, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ u, यानी कि x हो गया। आगे देखिए तो हो जाएगा ये वन अपॉन वाई इन टू dy वाई अपॉन डी एक्स, देखिए वन अपॉन वाई एज इट इज, डी से वाई को मल्टीप्लाई की dy अपॉन वाई डी एक्स, एक्स इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, डी से डी एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, ये एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा वन अपॉन वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वन अपॉन वाई को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, वन अपॉन वाई को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि y, और ये हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स। ये दोस्तों देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को ये मिल गया, इसकी इक्वेशन हम लोग वन लेट कर लेते हैं। अगर हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि वाई टाइम्स वन प्लस लॉग एक्स। आगे देखिए तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्रोडक्ट लगाइए यू को बाहर कीजिए इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स एज इट इज इन टू y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आगे देखिए
तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक ये हो जाएगा वाई इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा वाई बाई एक्स प्लस ये हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आगे देखिए, अब दोस्तों देखिए हम लोग जो प्रूफ करना है यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो हम लोग आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ये भी हम लोग वाई अपॉन एक्स आ चुका है, देखिए यहाँ पे वाई अपॉन एक्स लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये, और ये हम लोग को आ चुका है। इसको हम लोग चेंज करना है किसमें, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर में। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है वन प्लस लॉग एक्स है, देखिए वन प्लस लॉग एक्स है ना, यहाँ पे देखिए वन प्लस लॉग एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पता है, वन प्लस लॉग एक्स का वैल्यू कितना है वन अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स, इसको इक्वेशन वन लेट कर लेते हैं और इसको क्या कीजिए टू लेट कर लीजिए, तो वन प्लस लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वाई अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स को हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू मतलब यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑलरेडी है। आगे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वाई अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन वाई, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म को इधर ले आएंगे फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। इससे आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहीं छोड़ दिए, इस दोनों टर्म को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे। तो पहले इसको ले आते हैं, ये हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस वन अपॉन वाई इंटू इतना है तो लेफ्ट में आता जाएगा माइनस वन अपॉन वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस वाई अपॉन एक्स लेफ्ट में आए तो हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। यही दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था, देख लीजिए यहाँ पे देखिए डी एस, देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस वन अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स, यही हो गया प्रूव। अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछो, वीडियो अच्छा लगे मेरे कहने का तरीका यदि आप लोग पसंद है तो आप उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करिए जो होता है कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।